हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू vibrantvarsha.com। मैं हूं वर्षांकिनी और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं 10 मिनट अप्पम की रेसिपी। इंस्टेंट अप्पम आप बना सकते हो और ये वेट लॉस में आप खा सकते हो। ये रेसिपी 2 पर्सन के लिए बना रही हूं, तो अगर आप सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हो तो आप क्वांटिटी अकॉर्डिंगली ले लेना। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1/2 कप मैंने यहाँ पे लिया है फ्लैटन राइस यानी कि पोहा, 2-3 स्पून मैंने यहाँ पे लिया है कर की क्वांटिटी। अगर आपको खट्टा पसंद है तो कर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे सोक करने रखेंगे लगभग 5 मिनट्स। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने देते हैं ताकि रवा जो है, सूजी जो है वो फूल जाए। 5 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए सूजी हमारा फूल चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा और पानी। देखिए कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए और इसकी हम बनाएंगे एक स्मूथ पेस्ट। ये देखिए स्मूथ बैटर रेडी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट स्वाद अनुसार। इसे स्पॉन्जी और जालीदार बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ फ्रूट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और बैटर को मिक्स कर लीजिए। हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं इसीलिए फ्रूट सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी है अगर आपको स्पॉन्जी अप्पम चाहिए तो। गैस पे मैंने पैन गरम करने रखा था, पैन गरम हो चुका है। इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से ग्रीसिंग कर लेते हैं। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो मत कीजिए। मैंने यहाँ पे कास्टिंग आयरन पैन का इस्तेमाल किया है। गैस को फिर गर्म होने के बाद आप लो फ्लेम पे रखिए और बैटर को फोर कीजिए। देखिए ये बबल्स आना जो शुरू होता है जिसे जाली हम लोग कहते हैं, तो ये इसलिए आए क्योंकि इसमें फूड सॉल्ट ऐड किया है। इसे अच्छे से कुक होने देते हैं। देखिए नीचे से अच्छे से कुक हो चुका है। इसे हमने फ्लिप कर दिया और दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। इस बैटर में मेरे 3 अप्पम हुए हैं क्योंकि मैंने थोड़े से मोटे बनाए हैं। आप थोड़े और पतले बनाते थे तो 4 भी हो सकते हैं। ये 2 पर्सन के लिए इनफ होता है। इतने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं, खाके देखिए। देखिए टेस्ट में बहुत ही बेस्ट है, खाने में इतने टेस्टी है। बना के देखिए और मुझे आपके रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।